तो हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग एक्सेल के अंदर तीन ऐसे फंक्शन के बारे में सीखने वाले हैं जो कि हमारे एक्सेल में बहुत ही इम्पॉर्टेंट माने जाते हैं। जैसा कि दोस्तों यहां पे आप देख पा रहे होंगे कि हमारे पास तीन फंक्शन हैं जिनका नाम, सबसे पहला फंक्शन काउंट, दूसरा काउंट इफ और तीसरा काउंट इप्स। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग इन तीन फंक्शन के बारे में अच्छे से समझने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको हमारे स्क्रीन पे कुछ डेटा दिखाई दे रहा होगा जिसमें पहले वाले सेल में कुछ नेम लिखे हैं, दूसरे वाले में कुछ कलर्स और तीसरे वाले में कुछ न्यूमेरिकल डेटा लिखे गए हैं। तो दोस्तों इसी डेटा के माध्यम से हम आज इस वीडियो में इन तीन फंक्शन के बारे में अच्छे से समझेंगे। तो दोस्तों चलिए हम लोग सबसे पहले फंक्शन जिसका नाम है काउंट, उसके बारे में समझते हैं कि काउंट फंक्शन क्या होता है और इसका यूज हम लोग एक्सेल के अंदर कैसे करते हैं। तो दोस्तों काउंट फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जो कि हमारे डेटा में से दिए गए न्यूमेरिकल डेटा को काउंट करता है। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास जो डेटा है इसमें न्यूमेरिकल डेटा सी वाले कॉलम में है। अब न्यूमेरिकल की कितने डिजिट हैं उसको काउंट करने के लिए हम लोग काउंट फंक्शन का यूज करेंगे। अब कैसे करेंगे चलिए आगे देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे इस सेल को सिलेक्ट करेंगे और इसमें इक्वल का साइन लगाएंगे। और दोस्तों किसी भी फंक्शन को अप्लाई करने से पहले हम लोग इक्वल का साइन लगाना कंपलसरी है। अब दोस्तों यहाँ पे इक्वल साइन लगाने के बाद हम लोग लिखेंगे काउंट। अब काउंट लिखने के बाद फिर से ओपन करेंगे ब्रैकेट। अब ब्रैकेट ओपन करने के बाद हमको हमारे डेटा में जितने भी न्यूमेरिकल डेटा उनको क्या करेंगे सेलेक्ट। अब यहाँ पे इस तरह से सेलेक्ट करेंगे। अब सेलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट को कर देंगे क्लोज, उसके बाद कर देंगे इंटर। इंटर करने के बाद दोस्तों यहाँ पे हमारा जो वैल्यू है वो काउंट होकर के यहाँ पे आ गया। यहाँ पे हमारे डेटा में टोटल 6 न्यूमेरिकल डिजिट हैं, यहाँ पे आप काउंट कर सकते हैं। अगर दोस्तों यहाँ पे हम किसी भी न्यूमेरिकल डिजिट को यहाँ पे हम चेंज करके अल्फ़ाबेट लिख देते हैं तो दोस्तों आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो वैल्यू था वो चेंज होकर के घट गया। इसका मतलब ये है कि पहले हमारे पास टोटल न्यूमेरिकल डिजिट था 6, अब हो गया है 5। इसका रीज़न ये है कि इसमें हमने इस वाले सेल में हमने लिख दिया है अल्फ़ाबेट। और फिर से इसमें हम लोग लिखेंगे न्यूमेरिकल डिजिट और करेंगे इंटर तो यहाँ पे हमारा वैल्यू फिर से चेंज हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों आपको ये काउंट फंक्शन अच्छे से समझ में आया हो। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने दूसरे फंक्शन की तरफ जिसका नाम है काउंट इफ। अब हम लोग समझेंगे कि काउंट इफ फंक्शन क्या होता है और उसको हम लोग किस तरह से यूज करते हैं एक्सेल के अंदर। तो दोस्तों काउंट इफ फंक्शन का यूज हम लोग वहाँ पे करते हैं जहाँ पे हमारे डेटा में किसी भी तरह का कोई कंडीशन देना होता है हमको। जैसे कि दोस्तों हम यहाँ पे अप्लाई करके आपको दिखाते हैं। पहले यहाँ पे लिखेंगे हम लोग इजकल टू, उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे काउंट इफ। काउंट इफ लिखने के बाद दोस्तों फिर से ओपन करना है आपको ब्रैकेट। इतना दोस्तों हर एक फंक्शन में कंपलसरी होता है, ब्रैकेट ओपन तक। उसके बाद हमको पहले तो अपने डेटा को सिलेक्ट करना होगा जिसमें हमको कंडीशन को देना है। अपने डेटा की रेंज को हमने सिलेक्ट किया, उसके बाद दिया कॉमा। अब इसमें हम कंडीशन को या फिर क्राइटेरिया को अप्लाई करेंगे। तो कंडीशन या फिर क्राइटेरिया अप्लाई करने के लिए हमको डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर अपने कंडीशन को रखना होता है। तो यहाँ पे हम अपने डबल इन्वर्टेड कॉमा को ओपन करेंगे। अब ओपन करने के बाद इसमें हम अपना क्राइटेरिया रखते हैं कि हमारा जो वैल्यू हमने जो रेंज सेलेक्ट किया है उसमें जो वैल्यू आना चाहिए वो ग्रेटर देन 20 होना चाहिए। तो यहाँ पे हम ग्रेटर देन 20 लिख देते हैं। उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा को करते हैं क्लोज, ब्रैकेट को करते हैं क्लोज और करते हैं इंटर। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए हमारे डेटा के रेंज में कितने ऐसे वैल्यू हैं जो 20 से बड़े हैं। तो 20 से बड़े मतलब यहाँ पे एक वैसा वैल्यू है 25 जो कि 20 से बड़ा है। अब दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा हम क्राइटेरिया को कम करते हैं, इसको ओपन करेंगे और 20 की जगह पे हम लोग कर देते हैं यहाँ पे 17 किया, उसके बाद कर देंगे इंटर। अब दोस्तों यहाँ पे वैल्यू चेंज होकर के 2 आ गया। इसका मतलब ये है कि हमारे डेटा के रेंज में कितने ऐसे वैल्यू हैं जो कि 17 से बड़े हैं। तो 17 से बड़े यहाँ पे आपको दिखाई देंगे, एक 20 है, दूसरा 25 है। तो दोस्तों यहाँ पे इस तरह से हम अपने काउंट इफ फंक्शन से किसी भी डेटा में कोई भी कंडीशन अगर दे करके वैल्यू को लाना चाहते हैं तो काउंट इफ फंक्शन का यूज़ करते हैं। आई होप दोस्तों आपको ये काउंट इफ फंक्शन अच्छे से समझ में आया हो। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने थर्ड और सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन के बारे में
जिसका नाम है काउंट इप्स। तो दोस्तों काउंट इफ फंक्शंस क्या होता है और काउंट इप्स फंक्शन का यूज हम लोग कब और कैसे करते हैं वो हम आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों काउंट इफ फंक्शन का यूज़ हम वहाँ पे करते हैं जहाँ पे हमको अपने डेटा में एक से ज़्यादा कंडीशन या फिर क्राइटेरिया को देना होता है। अभी हमने इससे पहले काउंट इफ फंक्शन का यूज़ किया जिसमें हमने एक कंडीशन केवल दे पा रहे थे, जो कि था कि इसमें ऐसे कितने वैल्यू हैं, कितने डिजिट हैं, न्यूमेरिकल डिजिट जो कि 20 से बड़े हैं, तब हम वहाँ पे काउंट इफ यूज किया था हमने। अब हम यहाँ पे दो कंडीशन देंगे। अब दो कंडीशन क्या देंगे, चलिए वीडियो में आगे बने रहिए। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले लिखेंगे इक्वल का साइन लगाएंगे, उसके बाद काउंट इप्स लिखेंगे, फिर ओपन करेंगे ब्रैकेट को। उसके बाद दोस्तों हम लोग पहले यहाँ पे पहला सेल रेंज सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमने पहला सेल रेंज सेलेक्ट कर लिया और हम लोग यहाँ पे जिस तरह से काउंट इफ में हमने दिया था क्राइटेरिया उसी तरह से हम इसमें देंगे, लेकिन यहाँ पे हम क्राइटेरिया को कम रखेंगे। यहाँ पे देंगे कॉमा, कॉमा देने के बाद फिर से डबल इनवर्टेड कॉमा जो हम क्राइटेरिया देंगे, तो उसके बाद यहाँ पे ग्रेटर देन 10 करेंगे। ग्रेटर देन 10 रहना चाहिए, मतलब 10 से ज़्यादा। पहला हमारा क्राइटेरिया, पहला कंडीशन ये है कि 10 से ज़्यादा होना चाहिए। अब यहाँ पे इसको हम लोग करते हैं डबल इनवर्टेड कॉमा से क्लोज, फिर कॉमा देंगे। उसके बाद दूसरा यहाँ पे रेंज सेलेक्ट करेंगे, तो दूसरा रेंज हमारा ये वाला कॉलम है कलर वाला। उसके बाद फिर से देंगे कॉमा, अब फिर से डबल इनवर्टेड कॉमा ओपन करेंगे। अब यहाँ पे दूसरा कंडीशन होना चाहिए कि हमारा रेड होना चाहिए कलर, तो यहाँ पे या तो रेड वाले को सिलेक्ट कर लीजिए या फिर यहाँ पे लिख दीजिए रेड। तो यहाँ पे हमने रेड लिखा। अब उसके बाद डबल इनवर्टेड कॉमा से कर देंगे इसको क्लोज। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम लोग ब्रैकेट को करते हैं क्लोज और कर देंगे इंटर। अब दोस्तों यहाँ पे वैल्यू आया एक, हमने कंडीशन ये दिया था कि न्यूमेरिकल डिजिट 10 से बड़ा होना चाहिए और उसका कलर रेड होना चाहिए। तो यहाँ पे एक ही ऐसा वैल्यू है जो कि 10 से बड़ा है न्यूमेरिकल डिजिट जिसका और कलर रेड है, वो है रो नंबर 4। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे इसका न्यूमेरिकल डिजिट 10 से बड़ा भी है और कलर रेड है। एक ऊपर है जो कि 10 है और कलर रेड है, लेकिन हमने दिया था कंडीशन कि 10 से बड़ा होना चाहिए। तो आई होप दोस्तों आपको ये तीनों फंक्शन अच्छे से समझ में आए हों। अगर ये तीनों फंक्शन अच्छे से समझ में आए हों तो दोस्तों आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट जरूर से करिएगा। अगर आप लोग हमारे इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें जिससे ये वीडियो ज़्यादा लोगों के पास पहुँच सके। तो दोस्तों मिलते हैं इसी के साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।